नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 5 के विषय हिंदी इकाई 8 भरत मिलाप के बारे में अभ्यास करेंगे। यह इकाई रामायण के साथ जुड़ा हुआ है। रामायण का एक प्रसंग हमें इस इकाई में एकांकी के रूप में दिया गया है। इस नाटक के प्रमुख पात्र है राम, उसके दो भाई लक्ष्मण और भरत तथा उसकी पत्नी सीताजी। एक अयोध्या का नागरिक भी इसमें शामिल है। इस इकाई को शुरू करने से पहले रामायण की कुछ बातें जान लेना बहुत जरूरी है। राजा दशरथ श्री राम के पिताजी है। उन्होंने श्री राम को 14 साल का वनवास दिया था। श्री राम के साथ सीताजी और लक्ष्मण भी वन में जाते हैं और एक कुटिया में रहने लगते हैं। भरत को इस बात का पता नहीं होता है। वे जब अयोध्या आते हैं तो इस बात का पता चलता है। तो वह कुछ नगरजनों को साथ लेकर श्री राम को मिलने के लिए वन में जाते हैं। इसी प्रसंग का वर्णन इस इकाई में किया गया है। तो शुरू करते हैं इस इकाई का अभ्यास। माता पिता की आज्ञा का पालन करने हेतु राम वन में गए। उनके साथ सीता भी गई। भरत को इस बात का पता चलने पर वे अयोध्या के सिंहासन पर नहीं बैठे। सिंहासन, सिंहासन सिंह की आकृति वाला आसन, अपितु सिंहासन पर राम की खड़ाव रख कर उन्होंने सेवक की भांति राज किया। इसलिए कहा है भाई हो तो भरत जैसा। वन का एक भाग कुटिया के बाहर राम और सीता बैठे हुए हैं। कुटिया, कुटिया यानी कि झोपड़ी, घास फूस से बनी हुई झोपड़ी। पास ही धनुष बाण लेकर लक्ष्मण खड़े हैं। दृश्य एक। राम पूछते हैं लक्ष्मण को, भाई लक्ष्मण जरा देखो तो यह आवाज कहाँ से आ रही है। लक्ष्मण ने कहा, इधर उधर पहले देखते हैं फिर जवाब देते हैं प्रभु, सामने से कुछ लोग आते दिखाई दे रहे हैं। राम पूछते हैं, कौन लोग हैं? जरा ध्यान से देखो। लक्ष्मण ध्यान से देखकर जवाब देता है, अरे यह तो भरत है, साथ ही बहुत से लोग हैं। हमें सावधान हो जाना चाहिए। सावधान यानी कि सचेत, होशियार हो जाना चाहिए। शायद वे लोग लड़ने के लिए आ रहे हैं। राम हंसते हुए कहते हैं, भाई लक्ष्मण तुम तो बिना बात शक करने लगते हो। शक यानी शंका। इतने वर्ष साथ रहकर भी भरत को नहीं पहचाना। राम अपने भाई छोटे भाई लक्ष्मण को समझाते हैं कि हम छोटे से बड़े हुए एक साथ, हम एक दूसरे को अच्छी तरह पहचानते हैं कि भरत कैसे है, तो तुम भरत के ऊपर क्यों शंका करते हो। लक्ष्मण उत्तेजित यानी कि गुस्सा होना, गुस्से होकर पहचाना क्यों नहीं, उसी माँ का तो बेटा है जिसने वनवास दिलाया। लक्ष्मण क्या कहते हैं कि भरत तो उसी माँ का बेटा है, उसी माँ का यानी कि कैकेयी का। राजा दशरथ ने श्री राम को वनवास कैकेयी रानी के कहने से दिया था, उसी लिए लक्ष्मण को कैकेयी माता पर थोड़ी नाराजगी है। इसलिए लक्ष्मण गुस्से होकर बोलता है कि पहचाना क्यों नहीं, उसी माँ का तो बेटा है जिसने वनवास दिलाया। सीता जी कहती है, इसमें बेचारे भरत का क्या दोष। लक्ष्मण, लीजिए सब लोग इधर ही आ रहे हैं। लक्ष्मण क्या कहते हैं, सभी लोग इस तरफ ही आ रहे हैं, बद्दार लोगों आपड़ी तरफ जा ही रहा छे। दृश्य बे। भरत दौड़ते हुए कुटिया के निकट जाते हैं। उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं।
वे राम के चरणों में पड़ते हैं, राम भरत को उठाकर गले लगा लेते हैं। क्या करते हैं भरत? लक्ष्मण को शंका थी कि शायद ये लोग लड़ने आ रहे हैं, लेकिन ये तो उल्टा हुआ। भरत आते हैं, उसकी आँख में से आंसू बहते हैं और वे श्री राम के चरणों में पड़ जाते हैं, गिर जाते हैं, और राम भरत को प्रेम से उठाकर अपने गले लगाते हैं। गले लगाना यानी कि बहुत प्यार करना, बहुत प्यार से भेंटना। भरत बहुत रोते हैं और कहते हैं श्री राम को कि भाई मुझे क्षमा कीजिए प्रभु, आपको वनवास दिलाने में मेरा कोई हाथ नहीं, आप मुझसे बड़े हैं, आप ही को राजा बनना चाहिए। भरत क्या कहता है राम को कि तमने जे वनवास आप्यो छे राजा दशरथे, एमा मारो कोई ज हाथ नथी यानी कि भाग नथी, एमा मारो कोई भाग नथी, तमे मारा थी मोटा छो एटले राजा बनवानो हक कोने छे, मोटा भाई ने छे, मैं आपको लेने आया हूँ, आप सब अयोध्या चलिए, इन नगरवासियों को भी यही इच्छा है, मैं आपको यहाँ क्यों आया हूँ, आपको लेने आया हूँ, आप सब अयोध्या चलिए और सभी नगरवासियों की इच्छा पूर्ण कीजिए, इन नगरवासियों की भी यही इच्छा है, निराश न कीजिए प्रभु। देखो ये चित्र है, चित्र में क्या क्या है, एक कुटिया है, कुटिया के बाहर लक्ष्मण के हाथ में धनुष बाण है, पास में सीता जी है और राम और भरत एक दूसरे के गले से मिले हुए हैं। राम कहते हैं भाई भरत, मैं तुम्हारा प्रेम देखकर प्रसन्न हूँ। प्रसन्न होना यानी कि खुश होना, आनंदित होना, किंतु मैं माता पिता की आज्ञा का पालन करने हेतु वन में आया हूँ। राम भरत को कहते हैं कि भरत हूँ तारो प्रेम जोईने बहुज प्रसन्न थयो छु, परंतु माता पिताए मने जे आज्ञा करी छे, मने जे आदेश आप्यो छे एने पालन करवा माटे ज हूँ वन में आयो छु और वनवास पूरा करके ही लौटूंगा, अने हूँ मारो आ वनवास पूरो करीने ज पछी पाछो परीश। एक नागरिक कहता है नहीं प्रभु, आपको हमारे साथ चलना ही होगा, आपके बिना प्रजा दुखी है, प्रजा को सुखी रखना राजा का कर्तव्य है। नागरिक क्या कहता है कि आपके बिना, तमारा वगर प्रजा बहुत दुखी छे, अने प्रजा ने सुखी करवी ए राजानु सौथी पहलू कर्तव्य छे। राम नगरजनों से कहते हैं, नगरजनों इस समय माता पिता की आज्ञा का पालन करना मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य है, भरत मेरा भाई है, जब तक मैं वनवास पूरा करके न लौटूं तब तक भाई भरत आप सबके सुख दुख का ध्यान रखेगा। राम नगरजनों को क्या समझाते हैं कि माता पिता की आज्ञा का पालन करना मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य है। बराबर, कर्तव्य कितने हो गए राम के पास, प्रजा को सुखी करना वो भी राजा का कर्तव्य है। राम बड़े हैं इसलिए राजा किसको बनना चाहिए, राम को। नगर जन समझाते हैं कि प्रजा को सुखी करना राजा का कर्तव्य है, एक कर्तव्य, और दूसरा कर्तव्य क्या है राम का, अपनी माता पिता की आज्ञा का पालन करना। ये दो आज्ञा में से प्रथम क्या है राम के लिए, राम के लिए प्रथम यह कर्तव्य है कि माता पिता की आज्ञा का पालन करना। तो राम नगर जनों को समझाते हैं कि मैं अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करूं, ये मेरा प्रथम कर्तव्य है, और भरत मेरा भाई है। बराबर, जब तक मैं वनवास पूरा करके न लौटूं
तब तक भाई भरत आप सबके सुख दुख का ख्याल रखेगा, तो आप उसे राजा माने यह मेरा आदेश है। मैं जब तक अयोध्या न लौटू तब तक आप सभी नगरवासी भरत को अपना राजा माने, और भरत ही आप सबके सुख दुख का ख्याल रखेगा। भरत कुछ सोच कर, अच्छा प्रभु जैसी आपकी आज्ञा, पर मेरी एक विनती है। भरत क्या कहते हैं? राम को कहते हैं कि मुझे मंजूर है, जब तमे जेवी आज्ञा करो ते मने मंजूर छे, परंतु मारी एक विनंती छे। सु विनंती छे? उसे स्वीकार करे, मारी विनंती ने तमे स्वीकार करो। राम कहते हैं, बोलो क्या चाहते हो? भरत कहते हैं, मुझे आप अपने पांव की खड़ाव दे दे। खड़ाव लकड़े की चप्पल, हम जो चप्पल पहनते हैं ना, तो लकड़ी की बनी हुई पादुका। तो भरत कहते हैं, मुझे आप अपने पांव की खड़ाव दे दे। राम कहते हैं, खड़ाव? खड़ाऊ का क्या करूंगे? भरत कहते हैं, इन्हें सिंहासन पर रखकर आपके लौटने तक सेवक की तरह राजकाज करूंगा। देखो भरत की महानता कितनी है। भरत क्या चाहता है कि जब तक राम अयोध्या न लौटे तब तक सिंहासन के ऊपर कौन बैठेगा? भरत नहीं बैठेगा। वह सिवा सिंहासन के ऊपर श्री राम की पादुका रखेगा, और राजकाज कैसे करेगा? राजा की भांति नहीं करेगा, वो सेवक की भांति राजकाज करेगा। और जब राम अयोध्या वापस आएंगे तब राजकाज श्री राम को सौंप देगा। तो भरत क्या कहते हैं, इन्हें सिंहासन पर रखकर आपके लौटने तक सेवक की तरह राजकाज करूंगा। भरत का प्रेम देखकर राम सीता और लक्ष्मण गदगद हो जाते हैं। रामचंद्र आगे बढ़कर भरत को गले लगाते हैं। गले लगाना यानी कि प्यार से भेंटना। खड़ाव लेकर भरत तथा नगर जन राम और भरत की जय बोलते हुए विदा होते हैं। किसकी जय बोलते हैं? राम और भरत की जय बोलते हुए। बराबर। अब हम शब्दार्थ देखते हैं। कुटिया, झोपड़ी, शायद यानी कि कदाचित, शक का अर्थ है शंका, निकट यानी कि नजदीक, चरण पैर, दोष अपराध, कर्तव्य का अर्थ है फर्ज, आदेश का अर्थ है हुक्म अथवा तो आज्ञा, खड़ाव लकड़ी की बनी पादुका, पादुका एटले के एक जातनू चप्पलनू नाम, चप्पल लाकड़ाना चप्पल, मुहावरों के अर्थ उत्तेजित होना, गुस्सा होना, गले लगाना प्यार से भेंटना, गदगद होना आनंदित होना पुलकित होना। अब हम अभ्यास देखते हैं, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बराबर ध्यान से सुनना। भरत को आते हुए देखकर लक्ष्मण को क्या शंका हुई? क्या शंका हुई? लक्ष्मण को यह शंका हुई कि शायद ये सभी लोग लड़ने के लिए आ रहे हैं। राम को देखकर भरत ने क्या किया? राम को देखकर भरत की आंखों में आंसू आ गए और वे राम के चरणों में
पड़े, गिर गए। राम अपना वनवास क्यों पूरा करना चाहते हैं? राम माता पिता की आज्ञा का पालन करने हेतु राम अपना वनवास पूरा करना चाहते हैं। राम ने नगरजनों से क्या कहा? राम ने नगरजनों से कहा कि माता पिता की आज्ञा का पालन करना मेरा प्रथम कर्तव्य है। भरत मेरा भाई है, अभी भरत ही आपके सुख दुख का ख्याल रखेगा, इसलिए आप भरत को ही अपना राजा माने। भरत की जगह आप होते तो क्या करते? थोड़ी देर के लिए सोच लो कि आप भरत है और अपने भाई राम को लेने के लिए वन में गए हैं, बराबर? तो आप क्या करते? आप ऐसा कर सकते हैं कि किसी भी तरह अपने भाई को समझा बुझा कर अयोध्या लेकर ही आए, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि राम के साथ वन में ही रुक जाते, ठहर जाते और अपने भाई की सेवा करते। आप अपनी तरह से ये जवाब लिखना। अब हम प्रश्न 3 देखते हैं। कोष्टक में से सही संकेत चुनकर लिखिए। कोष्टक में दिया गया है रेलवे क्रॉसिंग, अरक्षित, हॉस्पिटल, पैदल यात्री क्रॉसिंग, साइकिल क्रॉसिंग, बराबर? पहली निशानी किसकी है? हॉस्पिटल की। उसके पास रेलवे क्रॉसिंग अरक्षित। नीचे देखिए, लड़का रोड क्रॉस कर रहा है, हम इंग्लिश में उसे क्या बोलते हैं? जिब्रा क्रॉसिंग, बराबर? तो क्या लिखेंगे? पैदल यात्री क्रॉसिंग। पास में साइकिल क्रॉसिंग है, साइकिल डोरी है, साइकिल का चित्र है, इसके नीचे लिखेंगे साइकिल क्रॉसिंग, बराबर? ऊंची आवाज में पढ़िए और लिखिए लक्ष्मण। हमें सिर्फ जोर से बोलना है और अपनी कॉपी में सही मात्राएं से लिखना है। उपेक्षित, क्षमा, अयोध्या, इच्छा, प्रजा, कर्तव्य, ध्यान, प्रभु और इन्हें। स्वाध्याय। प्रश्न 1, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। राम, सीता और लक्ष्मण कहाँ गए? राम, सीता और लक्ष्मण वन में गए। राम ने नगरजनों को क्या समझाया? राम ने नगरजनों को समझाया कि माता पिता की आज्ञा का पालन करना मेरा पहला कर्तव्य है, इसलिए मैं जब तक न लौटूं तब तक आप भरत को ही राजा माने, भरत ही आपके सुख दुख का ध्यान रखेगा। राम ने भरत को क्या दिया? राम ने भरत को खड़ाव दिया। भरत ने खड़ाव लेकर क्या करने का सोचा? भरत ने खड़ाव लेकर सोचा कि इन्हें मैं सिंहासन पर रखूंगा और जब तक आप न लौटे तब तक सेवक की भांति राजकाज करूंगा, यह सोचा। आप अपने भाई के साथ कैसा बर्ताव करते हैं? तो कैसा बर्ताव करते हैं आप? जैसा करते हैं वैसा लिखना, अच्छा करते हैं तो अच्छा लिखना और बुरा करते हैं तो बुरा लिखना, बराबर? अच्छा लिखो। आप अपने भाई के साथ कैसा बर्ताव करते हैं? तो लिखना, मैं अपने भाई के साथ अच्छा बर्ताव करता हूँ। नीचे दिए गए वाक्यों में मैं या मैं लगाकर वाक्य पूरा कीजिए।
बहुत अच्छी तरह समझना है। पहला वाला में है, उसका अर्थ होता है किसी भी वस्तु या फिर किसी के अंदर होना, यानी कि मैं। और दूसरा वाला मैं है, उसके ऊपर डबल मात्रा है, तो उसका अर्थ होता है मैं, यानी कि मैं खुद स्वयं। बराबर। रोटी को देख बिल्ली के मुंह खाली जगह पानी आया। बराबर। तो बिल्ली के मुंह के अंदर पानी आया, मुंह के अंदर, यानी कि पहला वाला में आएगा, एक मात्रा वाला में। रोटी को देख बिल्ली के मुंह में पानी आ गया। बराबर। दो, खाली जगह तुझे रोटी न ले जाने दूंगी। तो मैं, डबल मात्रा वाला, दूसरा वाला मैं आएगा, मैं तुझे रोटी न ले जाने दूंगी। तीन, खाली जगह कहती हूँ कि यह रोटी मेरी है, यानी कि मैं कहती हूँ, दूसरा वाला मैं, डबल मात्रा वाला, मैं कहती हूँ कि यह रोटी मेरी है। दोनों बिल्लियों खाली जगह झगड़ा हो गया। दोनों बिल्लियों के अंदर झगड़ा हो गया, बीच में, अंदर, जो भी हम समझ ले। दोनों बिल्लियों में झगड़ा हो गया, पहला वाला मैं, एक मात्रा वाला। रोटी लेने पहले खाली जगह झपटी थी। रोटी लेने पहले मैं झपटी थी, यानी कि स्वयं, मैं खुद, डबल मात्रा वाला मैं आएगा। प्रश्न त्रण, जल, थल और पेड़ों पर रहने वाले पशु पक्षियों के नाम अलग अलग लिखिए। सबसे पहले जल में रहने वाले पशु, तो जल में कौन कौन रहता है ये आपको लिखना है। मछली, मगर, फिर जलघोड़ा, बतख, कछुआ आदि। बराबर। थल पर रहने वाले, थल यानी जमीन पर रहने वाले, जल में रहने वाले यानी कि पानी में रहने वाले, और थल पर रहने वाले यानी कि जमीन पर रहने वाले। बराबर। तो थल पर रहने वाले जमीन पर कौन कौन रहते हैं, पशु पक्षियों के नाम लिखना है, जमीन पर जो रहते हैं। तो गाय, कुत्ता, बिल्ली, ऊंट, भालू, घोड़ा, हाथी आदि, जो याद आए आपको। अब पेड़ों पर रहने वाले लोग, झाड़ ऊपर रहना रा लोगों, झाड़ ऊपर तो सबसे पहला अपन ने कौन याद आई जाए, बंदर। बराबर। पेड़ के ऊपर बंदर, गिलहरी, उल्लू, गोरैया, गिद्ध, कौवा, कोयल, जो आपको याद आए, जो लिखना है वो। यहाँ पर विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमारा लेसन नंबर, पाठ नंबर 8, भरत मिलाप पूरा होता है। बराबर। अब आपको अपनी नोटबुक में, घर काम में, इस पाठ के शब्दों के अर्थ 3 बार लिखने हैं, मुहावरों के अर्थ 3 बार लिखने हैं, और जो पाठ है हमारा, ये जो पाठ है उसको जोर जोर से उच्चार कर करके उसका पठन करना है। और यदि हो सके तो अपने मित्रों के साथ इस एकांकी को करने का
प्रयत्न करना। कैसा करना? स्कूल में करवाती थी, आप ऐसे करना, अपने मित्रों को साथ ले लेना, एक को राम बनाना, दूसरे को लक्ष्मण बनाना और तीसरे को सीता बनाना, एक को भरत बनाना, एक को नागरिक बनाना, ऐसे जो जो आता है, सीता का जो वाक्य है वो जो सीता बनी है उसको बोलने का, जो राम का वाक्य है जो राम बना है उसे बोलना, तो इसी तरह इस नाटक को करना है।